नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आप किसी भी कॉल से परेशान है, कोई आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप उसे अपने मोबाइल से कैसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल का आइकन है दोस्तों से भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई अनचाही कॉल आती है और आप उससे बार बार परेशान हो रहे हैं, दोस्तों आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप उसके नंबर को ब्लॉक कैसे करेंगे अपने मोबाइल से। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले चलेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। दोस्तों आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और ऊपर सर्च बार में लिखना है कॉल्स ब्लैक लिस्ट। और आपको सर्च कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही कॉल्स ब्लैक लिस्ट लिखने के बाद सर्च करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, उसमें आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं लाल आइकन में आपको देखिए सिक्योरिटी का, उसमें बीच में फोन का आइकन है, आप देखिए कॉल्स ब्लैक लिस्ट कॉल ब्लैकर। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही इसे अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। देखिए नीचे आपके सामने निशान है प्लस का, देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे प्लस का निशान है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे आ जाएगा, देखिए सबसे ऊपर लिखा है फ्रॉम कॉल्स लॉग, उसके नीचे फ्रॉम कॉन्टैक्ट इनपुट नंबर। दोस्तों इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जो आपको नंबर ब्लॉक करना है वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या आपके कॉल्स में है। दोस्तों अगर आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसका नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करेंगे, तो इसलिए ज़्यादातर आपकी वो कॉल्स लॉग में ही मिलेगी। तो आप इनमें से दोस्तों किसी में भी आपका अगर वो नंबर है जो नंबर आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ ऊपर फ्रॉम कॉल्स लॉग पर ओके करके, दोस्तों जैसे ही मैंने उसमें कॉल्स लॉग पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से नंबर ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों इनमें से आप कोई भी जो भी आपको नंबर ब्लॉक करना है उसके ऊपर उसके सामने जो बॉक्स बना है उसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैं इस नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब इस पर नीचे राइट का निशान है, आप राइट पर ओके करेंगे। आप इसमें दोस्तों मल्टीपल नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप कितने भी नंबर एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं, जो आप उसके सामने नंबर के बॉक्स बना है उसके ऊपर टिक करना है। नीले घेरे में आपको नीचे टिक का निशान दिखाई दे रहा है सही का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों ये नंबर आपके ब्लैक लिस्ट में आ गया है, आपके पास इस नंबर से किसी भी तरीके की कोई कॉल नहीं आ सकती है क्योंकि दोस्तों आपने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आप चेक कर सकते हैं ऊपर ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ है, उसमें ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी वजह से किसी गलत नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो अब आप उसे वापस कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर दोस्तों आपको एक जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक बार टैप करना है और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है डिलीट। आप दोस्तों जैसे ही इस डिलीट पर ओके करेंगे ये नंबर ब्लैक लिस्ट में से हट जाएगा। आप ऐसे ही किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहे तो उसे निकाल भी सकते हैं। दोस्तों अगर आज आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ऐसी वीडियो में समय समय पर टिप्स एंड ट्रिक्स की आपके लिए लाता रहता हूँ, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।